जय हिंदी आसान नहीं फौजी कहलाना मेरे दोस्ती जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है नमस्कार जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके साथ आपका दोस्ती बिजबाई बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए आज की क्लास आप सभी के लिए बेहतरीन होने वाली है मेरे दोस्ती। आपका एग्जाम है ये एक नवंबर को मेरे दोस्त बहुत ही नजदीक आ गया है इसलिए लगन और जनून के साथ पढ़ना है आज की इस क्लास के अंदर मेरे दोस्तों मैथ्स एंड रीजनिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गत इंडियन आर्मी के एग्जाम में मेरे दोस्ती पूछे गए क्वेश्चन है इसी बैस इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और जिन्होंने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए हम आपको बार बार कहते हैं मेरे दोस्त आप क्लास को लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्लास का जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा क्लास आपको उतनी ही बेहतरीन देखने को मिलेगी रेगुलर मिलेगी अन्यथा मेरे दोस्त ही नहीं मिल पाएगी तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार जय हिंद और अभी नौ बजे मेरे दोस्त आपका होगा जीके जी का मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ही शानदार लाजवाब होगा मान के चलिए इसी जोश और जनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्त पेपर का गर्दा गर्दा उड़ा देंगे एक बिग क्वेश्चन मेरे दोस्ती बाहर नहीं जाएगा यह हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं क्वेश्चन कहता है एक गोले का व्यास चौदह सेंटीमीटर है तो बताइए मेरे दोस्त इसका फ्रेस्ट एक क्षेत्रफल आपको बताना है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग नौजवान इसका राइट आंसर भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया देखिए मेरे दोस्त गोले का व्यास आपको दे रखा है चौदह सेंटीमीटर तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है तो मेरे दोस्त त्रिज्या है ये कितनी होगी तो आप कहोगे सर त्रिज्या है ये व्यास की आधी हो जाएगी कितनी होगी आधी हो जाएगी तो आपके पास त्रिज्या है ये मेरे दोस्त सात आ जाएगी अब आपको इसका मेरे दोस्ती क्षेत्रफल निकालना है ठीक है गोले का व्यास आपको दे रखा है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो मेरे दोस्ती इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है चार पाई आर स्क्वायर क्या होता है चार पाई आर स्क्वायर होता है चार इंटू पाई का मान होता है मेरे दोस्त बाईस बटा सात इंटू आर की वैल्यू है आपके पास सात क्लियर है सात से सात कट जाएगा सात चौक होगा मेरे दोस्त अट्ठाइस अट्ठाईस और बाईस का है ये मल्टीपल जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे छह सौ सोलह वर्ग सेंटीमीटर वो बिल्कुल राइट बता रहे बहुत बढ़िया बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात तीन अनुपात पांच है तो इनकी परिधियों का अनुपात आपको बताना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती इसमें भी बहुत से नौजवान है वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो मेरे दोस्त ध्यान रखना जो अनुपात त्रिज्याओं का होता है वही अनुपात मेरे दोस्ती परिधियों का होता है इसका राइट आंसर होगा तीन अनुपात ऑप्शन बी राइट होगा नोट कर लेना, ले लेना क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई कर्मश है पांच मीटर और तीन मीटर है तो उसकी परिमिति आपको बताना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे परिमिति आपको बताना है अर्थात आयत का परिमाप आपको बताना है बहुत ही ये होता है दो कोष्टक की लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है भैया दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है लंबाई मेरे दोस्त आपको दे रखी है पांच मीटर चौड़ाई आपको दे रखी है तीन मीटर क्लियर है मेरे दोस्ती तो मेरे दोस्त दो इंटू आठ कितना होता है सोलह मीटर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है बीस छात्रों के बार का औसत चौरासी किलोग्राम है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में तीन किलोग्राम बढ़ जाता है अध्यापक का भार ज्ञात करें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सभी नौजवान ईमानदार से अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे सभी नौजवानों को सोल्व करना है मेरे दोस्ती नहीं आता है तो आपका ध्यान सामने होना चाहिए बीस छात्रों का मेरे दोस्त जो औसत भार है ये कितना है चौरासी है तो मेरे दोस्त कुल कितना आ जाएगा चौरासी है यहां पर क्लियर है तो मेरे दोस्त कुल कितना आ जाएगा तो मेरे दोस्त चौरासी और बीस का मल्टीपल होता, होता है एक सौ अड़सठ और एक जीरो आपको लगाना है क्लियर है आगे कहता है यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो मेरे दोस्त बीस छात्र थे उनमें एक अध्यापक का भार सम्मिलित करेंगे तो कितना होगा इक्कीस होगा क्लियर है इक्कीस होगा तो मेरे दोस्त इक्कीस आगे कहता है कि शामिल होना हो जाने के बाद अध्यापक का शामिल हो जाने के बाद मेरे दोस्त तीन किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है उनके औसत में तो चौरासी तीन कितने होते हैं सतासी होते हैं इक्कीस और सतासी का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती अठारह सो सत्ताईस कर लेना मेरे दोस्ती अठारह सो सत्ताईस होता है तो आपको अध्यापक का भार बताना है मेरे दोस्ती तो अठारह सो माइनस सोलह सो अस्सी मेरे दोस्त आप निकालोगे तो बचेगा एक सौ तो अध्यापक है ये मेरे दोस्ती एक सौ किलोग्राम का है हालांकि देखने पे असंभव हुई लगेगा लेकिन क्वेश्चन है क्या कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार तथा सोलह का तरतीय अनुपाति होगा ऑप्शन आपके सामने है अनुपात समानुपात आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती देखिए आपको तृतीय अनुपात निकालने के लिए कहे मेरे दोस्त ही तो आपको यह सूत्र लगाना है b स्क्वायर अपॉन a b स्क्वायर अपॉन a मेरे दोस्त आपको इसका सूत्र लगाना है क्लियर है b स्क्वायर अपॉन a आपको लगाना है क्लियर 16 16 16 16 बट्टा मेरे दोस्त चार चार से 16 कटेगा चार बार चार और 16 का मल्टीपल होता है 64 64 ऑप्शन डी जोनोजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए जितने भी आपके और मित्र हैं उनको आप ये वीडियो मेरे दोस्त से ज्यादा से ज्यादा हम लाइव होकर इस क्लास का आनंद ले सके क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में सेम डिटो मिलेंगे जितने क्लास को आप लाइक शेयर करोगे क्लासे मेरे दोस्त आपको उतने ही रेगुलर मिल पाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एक काम को बारह दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है तो बताइए दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे मान के चलिए आर्मी एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है जिस नौजवान ने पहले पेपर देखा है उसको पता है समय काम मजदूरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा अन्यथा नहीं आएगा मेरे दोस्त देखिए दोनों मिलकर आपको करने के लिए कहे ना मेरे दोस्तों ये ट्रिक लगा देना ए बी अपॉन ए प्लस बी और अकेले के लिए कहे तो आपको यहां पर माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है बारह इंटू चौबीस बारह इंटू चौबीस चौबीस और बारह कितने होते हैं मेरे दोस्त छत्तीस होते हैं बार तिया 36, 3 का मेरे 24 में भाग जाता है बार तो दिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग नौ तथा उनके वर्गों का योग इकतालीस है तो संख्या है दो संख्याओं का योग नो तथा उनके वर्गों का योग इकतालीस है मेरे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलता है लेकिन उसको पैन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको यह क्वेश्चन ऑप्शन से एक मिनट के अंदर ही सोल्व हो जाएगा मात्र दस सेकेंड आपको लगेगा अगर आप ध्यान पूर्वक इसको देखते हो तो दो संख्याओं का योग मेरे दोस्त नो है और उनके वर्गों का योग इकतालीस है ऑप्शन को उठाइए मेरे दोस्त उनका योग कीजिए नो होता है तो अच्छी बात है फिर उनके वर्गों का योग कीजिए अगर इकतालीस आता है तो वही ऑप्शन आपका राइट right है फर्स्ट ऑप्शन उठाइए मेरे दोस्त चार वे पांच कितना होता है नो होता है क्लियर है चार का वर्ग कितना होता है सोलह पांच का कितना होता है पच्चीस दोनों को काउंट कीजिए कितना होता है आप कहोगे सर इकतालीस होता है तो बस यही ऑप्शन आपका राइट है अगले वाले को आप करके देख लीजिए मेरे दोस्त आठ और एक कितना होता है नो होता है आठ का चौसठ होता है एक का एक होता है तो मेरे दोस्त वर्गों का योग इकतालीस नहीं होता है ऑप्शन सी को उठा लीजिए मेरे दोस्ती तीन का होता है नो छ का होता है छत्तीस छत्तीस और नो को काउंट कर लीजिए कितना होता है नो छो पंद्रह पैंतालीस नहीं होता है ना तो वही बात हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन को उठाना है मेरे दोस्ती काउंट करना है जैसा क्वेश्चन कहता है अगर वो मैच कर रहा है तो मेरे दोस्ती वही इसका राइट आंसर होगा ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से पंद्रह वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो बताओ कितने वर्षों में यह आठ गुनी हो जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त वेरी वेरी लगा लेना और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको याद कर लेना रट लेना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गज्जा में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्ती ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज से अगर आपको पूछे और यही क्वेश्चन रहे मेरे दोस्ती संख्या चेंज हो तो आपको क्या करना है पंद्रह वर्षों में दुगुनी तो बताओ यह कितने वर्षों में आठ गुनी हो जाएगी क्लियर है आपको क्या करना है मेरे दोस्त ये जो सेकंड वाली देर के है ना इसको पावर में बनाना है दो की पावर तीन कितना होता है आठ होता है अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त ऊपर वाला जो समय है उसको इस पावर के साथ मल्टीपल कराना है पंद्रह या पैतालीस होता है तो पैतालीस वर्ष ऑप्शन बी इसका राइट होगा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी चालीस अंक प्राप्त करता है तथा चालीस अंकों से फेल हो गया यदि अंक अंक हो तो कुल आपको बताना है वेरी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप सभी को हम एच डब्ल्यू के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे दोस्ती सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है मेरे दोस्ती प्रैक्टिस कीजिए अगर ईमानदार से सोल्व कर दिया तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की नेक्स्ट हम अब मेरे दोस्त रीजनिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे किसी भी नौजवान को क्लास छोड़ के नहीं जाना है वरना एग्जाम में बड़ी दिक्कत आ सकती है ईमानदारी के साथ देखिए पूरा सेशन देखने के बाद अगर पंद्रह में से बारह का आप सही जवाब देते हैं तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और अभी नौ बजे आपको बहुत ही शानदार मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाएगा तो मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को क्यू आर ई एच लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में पी एल ए टी को क्या लिखा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए मेरे दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उनका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही रहता है मेरे दोस्त देखिए मेरे दोस्त आपको पहले यह पता रहना चाहिए कि एन कितने पे आता है ओ कितने पे आता है बी कितने पे आता है एल कितने पे आता है और ई e कितने पे आता है क्लियर है आपको पता है कि n है ये चौदह पे आता है ठीक है ओ है ये पंद्रह पे आता है क्लियर है b है ये दो पे आता है l बारह पे आता है और e है ये पांच पे आता है ठीक है अगले वाली संख्या देखिए मेरे दोस्त Q R E O H Q मेरे दोस्त सत्रह पे आता है R अठारह पे आता है E पांच पे आता है O पंद्रह पे आता है O H है ये आठ पे आता है क्लियर है ये मेरे दोस्त आर आपके पास संख्या आ गई क्लियर है अब यहां से आप मेरे दोस्त ऊपर वाली को भूल जाओ और इनका आप डिफरेंस देखिए मेरे दोस्त चौदह से यह सत्रह की तरफ गया है चौदह से सत्रह की तरफ गया है तो आप कह सकते हो कि सर तीन की वृद्धि हुई है पंद्रह से अठारह की तरफ गया है तो तीन की वृद्धि हुई है दो से पांच की तरफ गया तीन की वृद्धि बारह से पंद्रह की तरफ गया तीन की वृद्धि पांच से आठ की तरफ गया तीन की वृद्धि यानी मेरे दोस्त ऊपर वाले में जो संबंध है वही संबंध मेरे दोस्त आपको इसी नीचे वाले में बताना है तो मेरे दोस्त पी आता है सोलह पे एल आता है मेरे दोस्त पे, A आता है, एक पे टी आता है बीस पे ई आता है पांच पे ठीक है तो सोलह प्लस तीन करोगे तो कितना आएगा सोलह प्लस तीन करोगे तो मेरे दोस्त उन्नीस आएगा उन्नीस पे क्या आता है एस आता है क्लियर है बारह तीन पंद्रह पे ओ आता है एक के अंदर तीन प्लस करोगे तो चार पे डी आएगा बीस के अंदर तीन प्लस आप करोगे तो मेरे दोस्त पे डब्लू आएगा और पांच के अंदर तीन प्लस करोगे तो आठ पे एच आएगा तो एस ओ डी डब्ल्यू एच एस ओ डी डब्ल्यू एच ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे एस ओ डी डब्लू एच वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार का संबंध पक्षी से है ठीक उसी प्रकार हेमेटोलॉजी का संबंध किस से है यह बताना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस नौजवान ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए मेरे दोस्ती ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी ग्रुप्स है जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की उनको मेरे दोस्त आप शेयर कीजिए ताकि हम आपको रेगुलर मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करा पाए मैथ्स की क्लास कभी नहीं हो पाती है तो डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे दोस्ती क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं आपके लिए कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के पांच छह दिन पहले मेरे दोस्ती दिया जाएगा इसलिए हम बिजी रहते हैं तो मैथ्स की क्लास हम आपको मेरे दोस्त डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रेगुलर हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स रहा तभी अन्यथा नहीं मिल पाएगी क्योंकि जो नौजवान ग्रुप्स के अंदर एड है उनका मैथ का कोर्स कंप्लीट होने वाला है मेरे दोस्ती हल सही इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं रक्त वो बिल्कुल सही बता रहे हैं ध्यान रखना और, न, और में पक्षी का अध्ययन किया जाता है तो उसी प्रकार हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी मां है तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है मेरे दोस्ती दिमाग वाला क्वेश्चन है बस अपने ऊपर इसको लेकर आप कीजिए मेरे दोस्ती यहां पर है मेरे दोस्त माना कि पुरुष क्लियर है और यह है मेरे दोस्त एक ही। महिला क्लियर है कहता है एक पुरुष ने इस पुरुष ने मेरे दोस्ती महिला की ओर इशारा करते हुए कहा तुम्हारे भाई इस महिला का मेरे दोस्ती भाई है मान लीजिए मेरे दोस्ती इस महिला का है यहां पर है कोई भाई ठीक है आगे कहता है तुम्हारे भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है तो मेरे दोस्ती इस भाई की जो एकमात्र बहन है यही मेरे दोस्ती मेरी माँ है तो तो मेरे दोस्तों ये महिला है ये उस पुरुष की क्या लगेगी तो ये लगेगी माँ लगेगी ऑप्शन ए इसका राइट होगा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है सीमा पहले सात किलोमीटर पूर्व चलती है फिर बाई और मुड़कर पांच किलोमीटर चलती है तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी दोस्ती ये है माना की प्रारंभिक स्थान क्लियर है यहां से कहता है कि सीमा है यह पहले सात किलोमीटर पूर्व की तरफ चलती है इस तरफ चलती है सात किलोमीटर फिर मेरे दोस्त यह बाएं ओर मुड़कर चलती है पांच किलोमीटर कितना किलोमीटर चलती है पांच किलोमीटर तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो मेरे दोस्तों ये दिशा कौन सी है ये दिशा आप कहोगे सर यह उत्तर पूर्व है ऊपर उत्तर होता है इधर पूर्व होता है इस तरफ पश्चिम होता है इस तरफ मेरे दोस्त दक्षिण होता है तो यह दिशा कौन सी हो गई भैया उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है बस एक जान तक इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोपाल मोहन से बड़ा है गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है मोहन है या सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती गोपाल है यह मेरे दोस्ती मोहन से बड़ा है गोपाल है ये मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है परंतु राम से छोटा है मोहन है ये मेरे दोस्त सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है कौन सोहन तो सबसे आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा है राम ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं राम वो बिल्कुल सही बता रहे सबसे बड़ा मेरी दोस्ती राम ही होगा तो सभी नौजवान फाइनली बताएंगे आप इन पंद्रह में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं अगर बारह प्लस का आप सही जवाब देते हैं ईमानदारी से तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त ही अभी आपका जीके जीएस जी का मॉक टेस्ट होगा बहुत ही शानदार ओरिजिनल पेपर आपको करवाया जाएगा ये आपका मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट हो गया अभी मेरे दोस्त नौ बजे होगा आपका मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही शानदार तरीके से सभी दोस्तों को लेकर आना है मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी तो जितना हो सके उतना इसको लाइक कीजिए जितना दम है जोश है जनून है उतना लगा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों अदर कंट्रीज तक ये वीडियो मेरे दोस्त पहुंचना चाहिए बाकी हम आपको अभी मेरे दोस्त नौ बजे इसी जोश जनून और एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे पेपर का गर्दा गर्दा उड़ा देंगे ये आप मान के चलिए तो मिलते हैं आपको अभी नौ बजे जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद